वेलकम टू टेड एक्सेल। एक्सेल में आपका एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए एक्सेल के शॉर्टकट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपके लिए कस्टमाइज्ड बहुत ही यूजफुल 26 शॉर्टकट्स लेके आया हूँ। ये आपको बहुत ही यूजफुल रहेंगे और फाइनली मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा ध्यान से। एक्सेल में हम बहुत सारे शीट्स इंसर्ट करते हैं। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट F11। आपको शिफ्ट प्रेस करना है, F11 प्रेस करना है तो नया शीट्स इंसर्ट होता रहेगा। नेक्स्ट है एक्सिस्टिंग शीट को डिलीट करना। अभी आप यहां पे देखिए शीट 23 है, 22 है, 21 है, 20 है। अभी हमको शीट 23 डिलीट करना है, उसका शॉर्टकट है Alt-E-L। Alt प्रेस करके E-10-L तो जो शीट है यहां से डिलीट होगा। Alt-E-L ओके। यहां पे बहुत सारे शीट्स हैं, हमको बहुत शीट्स सेलेक्ट करना है। अभी 21, 24, 20 ये तीनों शीट हमको सेलेक्ट करना है तो उसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल पेज डाउन और अप। शिफ्ट कंट्रोल अप सेलेक्ट करेगा तो आपका लेफ्ट साइड का शीट सेलेक्ट हो जाएगा और आप डाउन शिफ्ट कंट्रोल डाउन करेगा तो आपके राइट साइड का शीट सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेलेक्ट होने के बाद आपको उसको डिलीट करना है तो ऑल्ट ई एल साथ में सब डिलीट हो जाएगा। मल्टीपल शीट का सिलेक्शन का शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल पेज अप या डाउन। अभी हमको बिटवीन शीट्स जाना है, हमको सेलेक्ट नहीं करना है, एक शीट से दूसरे शीट में जाना है, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल पेज अप या पेज डाउन। पेज अप पेज डाउन ओके। पेज अप करेगा तो आपका लेफ्ट साइड का शीट्स में जा सकता है और कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करेगा तो आप अपना राइट साइड के शीट्स में जा सकता है। आपको एंटायर रो सेलेक्ट करना है। आप यहां पे हैं तो आपको ये एंटायर रो आपको सेलेक्ट करना है, उसका शॉर्टकट है शिफ्ट स्पेस। रो सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस करेगा तो आपका एंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगा। आप कहीं भी रखिए और एंटायर रो सेलेक्ट करना है शिफ्ट स्पेस ओके। अभी कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस, कौन सा कॉलम आपको सेलेक्ट करना है वहां पे रखना और कंट्रोल स्पेस प्रेस करेगा तो एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ ये शीट के पूरा शीट को आपको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे शीट में कहीं भी कोई भी सेल में आप रखें और उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करना तो आपका एंटायर शीट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको शीट के अंदर जो डाटा एरिया सेलेक्ट करना है तो सेम शॉर्टकट है, बट आपको डाटा एरिया में क्लिक करना है फिर कंट्रोल ए प्रेस करेगा तो आपका जितना डाटा एरिया है वही सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल ए जो है आपका डाटा सेलेक्ट करने के लिए और एंटायर शीट सेलेक्ट करने के लिए दोनों के लिए यूज कर सकता है। नेक्स्ट है मूव टू एज। अभी आप यहाँ पे हैं, आपको ये शीट का सबसे एंड में जाना है। उसके लिए नॉर्मली हम स्क्रॉल यूज करते हैं, स्क्रॉल बार यूज करते हैं, स्क्रॉल करके हम जाते हैं, नहीं तो एरो कीज यूज करते हैं। तो एरो कीज यूज करके एंड में पहुंचना टाइम कंज्यूमिंग है तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल एरोस ओके। अगर आप राइट एरो प्रेस करेगा तो आप राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट एरो प्रेस करेगा तो लेफ्ट साइड में, डाउन एरो प्रेस करेगा तो डाउन जाएगा, अप एरो प्रेस करेगा तो अप में जाएगा। नेक्स्ट है डाटा सिलेक्शन। आपको डाटा सेलेक्ट करने के लिए आप नॉर्मली शिफ्ट प्रेस करके या माउस लेके आप ऐसे एरो की से डाटा सेलेक्ट करते हैं। अभी डाटा सेलेक्ट करने के लिए अगर आपका बहुत ही बड़ा डाटा बेस है तो आपको उस हिसाब से जाना टाइम कंज्यूमिंग है तो उसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, शिफ्ट कंट्रोल साइड एरो, आप अप एरो डाउन एरो शिफ्ट कंट्रोल दोनों प्रेस करके आप अगर करेंगे तो आपका डाटा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल साइड एरो, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, ऐसे आप डाटा सेलेक्ट कर सकता है। और बैक जाने के लिए आप होम की प्रेस करेगा तो आपका फर्स्ट सेल में आप वापस चला जाएगा।
अभी आपको यहाँ पे न्यू रो और न्यू कॉलम इंसर्ट करने के लिए क्या करना है। न्यू रो इंसर्ट करने के लिए आपको शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करेगा तो आपका एंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगा, पर इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल प्लस। आपका सेपरेट आपका कीपैड है, नंबर कीपैड है, वहाँ पे प्लस की अवेलेबल है तो आपको कंट्रोल प्लस प्रेस करना है। अगर आपका कंबाइंड है कुछ कीबोर्ड्स में, आपका लैपटॉप वगैरह में कीबोर्ड प्लस और इक्वल टू सेम की में रहेगा तो आपको शिफ्ट कंट्रोल प्लस प्रेस करना है तो आपका रो इंसर्ट हो जाएगा। सेम वे में आपको कॉलम इंसर्ट करने के लिए भी कंट्रोल स्पेस प्रेस करेगा तो आपका एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, फिर आपको शिफ्ट कंट्रोल प्लस, वैसे आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। आपका एक रो आपको इधर नीचे कहीं आपको मूव करना है तो नॉर्मली हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करते हैं, फिर यहां से उसको ड्रैग करके नीचे लेके आके आपको जहां पे चाहिए आप ड्रॉप करते हैं। बट इस केस में क्या होगा, आप जहां पे ड्रॉप करेंगे वहां का डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा और ये जो डाटा है उसके ऊपर ओवरराइट होगा। इसको अवॉइड करने के लिए हमको शिफ्ट स्पेस और इसको ड्रैग करते टाइम आपका शिफ्ट की प्रेस करने के बाद इसको ड्रैग करेंगे तो जहां पे आप उसको ड्रॉप करेंगे ना वहां का डाटा डिलीट नहीं होगा। अभी आपको एक कॉलम हाइड करना है, आपको कंट्रोल स्पेस करेगा तो आपका एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और उसको हाइड करने के लिए कंट्रोल जीरो प्रेस करेगा तो आपका कॉलम जो है हाइड हो जाएगा। अभी रो हाइड करने के लिए भी आपको शिफ्ट स्पेस करेगा तो आपका एंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद कंट्रोल नाइन प्रेस करेगा तो आपका रो हाइड हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपका रो एक रो हिडन है तो आपको इसको अनहाइड करने के लिए उसके ऊपर वाला और उसके नीचे वाला रो को सेलेक्ट करना है, नहीं तो आप इसको पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट ओके प्रेस करेगा तो जो हिडन रो है वो ओपन हो जाएगा। सेम वे में आपको अगर कॉलम ओपन करना है, कॉलम ओपन करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट, शिफ्ट कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट आपका शॉर्टकट रहेगा, बट कुछ कंप्यूटर्स में ये वर्क नहीं करेगा तो उस कंप्यूटर में क्या करना है, आपको ऑल्ट ओ सी यू प्रेस करेगा आपका हिडन कॉलम जो है वो अनहाइड हो जाएगा। अभी आप यहां पे देखेंगे आपका रो नंबर 12 और कॉलम नंबर सी यहाँ पे हिडन है। ऐसे आपके सामने एक शीट आएगा, बहुत सारे कॉलम और रो हिडन होगा तो आपको ये जानने के लिए कौन सा आपका कॉलम और कौन सा रो हिडन है ये देखने के लिए एक शॉर्टकट है, आपको ऑल्ट प्रेस आपका सेमी कॉलम प्रेस करेगा तो आपको कौन सा रो और कॉलम हिडन है वो दिखाएगा। ये बेसिकली यूज करते हैं आपका सेलेक्ट द विजिबल सेल्स, ये जो है विजिबल सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और जो हिडन एरिया को आपको दिखाएंगे, इतना हिडन एरिया यहाँ पे है। नाउ आपके पास ऐसा एक टेबल है, अब इसमें बहुत सारे जगह पे बहुत सारे फॉर्मूला लगा होगा, अभी आपको कौन से सेल में कौन सा फॉर्मूला लगाया है ये सिंगल क्लिक में आपको जानने के लिए शॉर्टकट है, कंट्रोल आपको प्रेस करना है और टिल्ड बटन जो है वो प्रेस करना है। टिल्ड बटन नॉर्मली एस्केप की के नीचे आपको दिखेगा, कंट्रोल प्रेस टिल्ड बटन, तो आपका जितने भी फॉर्मूलास है कौन से सेल में क्या क्या फॉर्मूलास दिया है वो सारे फॉर्मूलास आपको विजिबल हो जाएंगे। और इसको वापस क्लोज करने के लिए आपको वापस कंट्रोल प्लस टिल्ड बटन प्रेस करेगा तो वापस ये फॉर्मूलास हाइड हो जाएंगे। ये डाटा आप देखेंगे यहाँ पे कुछ जगह पे डायरेक्ट हमने फिगर्स इंसर्ट किया है, यहाँ पे आप देखें कुछ जगह पे फिगर्स इंसर्ट किया है और कुछ जगह पे फॉर्मूलास हैं। और अभी आपको
जहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं है उसको सेलेक्ट करना है, जहाँ पे फॉर्मूला है उसको सेलेक्ट नहीं करना है। उसके लिए आपका शॉर्टकट है, पहले आपको F5 प्रेस करना है। F5 प्रेस करेंगे तो आपका गो टू का विंडो खुलेगा, उसके बाद आपको S प्रेस करेगा तो स्पेशल खुल जाएगा, मीन्स F5 देन Alt-S, F5 Alt-S देन O देन X, प्रेस ओके। अभी आप देखेंगे ना, जहां पे आपने फॉर्मूला नहीं लगाया है वही सेल को सेलेक्ट हुआ है, जहां पे फॉर्मूला लगा है वो सेल को सेलेक्ट नहीं किया है। अभी आप यहां पे आके, अभी आपको इसको डिलीट करना है तो वो एरिया डिलीट हो जाएगा, ओके। आप यहां पे जाके देखें जो सेलेक्ट नहीं किया है वहां पे आपको जरूर फॉर्मूला दिखेगा। आप यहां पे देखिए, यहां पे फॉर्मूला लगी हुई है और ये नंबर सेल में जो फॉर्मूला लगा है ना उसी के लिए है, ओके। हमको यहां पे फिल्टर लगाना है, नॉर्मली हम उसके लिए यहां पे इसको एरिया सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहां पे डाटा में जाके यहां पे फिल्टर प्लस प्रेस करते हैं, ओके। तो फिल्टर लगाने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट L, आपको कंट्रोल प्रेस करना है। आप ये डाटा में कहीं भी आप रखें और कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करेगा तो आपका यहाँ पे फिल्टर्स ऑन होगा। आप यहाँ पे ग्रेटर देन 10,000 ऐसे आपका फिल्टर्स लगा सकता है। और रिमूव करने के लिए, फिल्टर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे फिल्टर लगी हुई है, ये फिल्टर को रिमूव करने के लिए भी सेम कंट्रोल शिफ्ट L, कंट्रोल शिफ्ट L आपका फिल्टर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो फिल्टर लगाने के लिए भी रिमूव करने के लिए भी सेम शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट L। नेक्स्ट हमको ये सेल को फॉर्मेट करना है। नॉर्मली हम सेल इसको एरिया को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे फॉर्मेट सेल में चले जाते हैं। तो इसका शॉर्टकट है, आपको कौन सा भी एरिया फॉर्मेट करना है वो एरिया को सेलेक्ट करो, अगर कोई सेल को फॉर्मेट करना है तो सेल को सेलेक्ट करो, उसके बाद आपको प्रेस करना है Ctrl-1। Ctrl-1 प्रेस करेगा तो आपको फॉर्मेट सेल का विंडो खुल जाएगा, यहाँ पे आप अपना सेल को फॉर्मेट वगैरह कर सकता है। Like this, okay? अभी आपको आपका डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना है, तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप इंसर्ट में जाके यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर सकता है, तो उसके जगह पे शॉर्टकट है Ctrl-T। Ctrl-T प्रेस करेगा तो आपको एरिया पूछेंगे, उसके बाद माई टेबल हैज हेडर्स को चेक करना है, सो दैट आपका ये जो हेडर जो है उसको सेपरेट दिखाएंगे, उसके बाद ओके प्रेस करेगा तो ये आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट में आप जाके इसको, कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए तो भी आप यहाँ पे ये टेबल रहेगा बट उसका फॉर्मेट निकल जाएगा। अभी आपको ये टेबल रिमूव करना है तो आप यहाँ पे डिजाइन में जाके कन्वर्ट रेंज में क्लिक करेगा तो आपका ये टेबल में से निकल जाएगा, नॉर्मल डाटा में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑटो सम। नॉर्मली हम सम इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट में जाता है, यहाँ पे ऑटो सम प्रेस करके सम डाल देते हैं, ओके। तो इसका शॉर्टकट है Alt प्रेस करना एंड इक्वल टू दबाना तो आपका ऑटो सम कैलकुलेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे है हमारा फिगर, हमको इसका सम कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे रख के भी Alt तो ऑटो सम कैलकुलेट हो जाएगा। जहाँ पे आपका एरिया आपका डाटा जाता है, एदर वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, या आप यहाँ पे रख के Alt-2 प्रेस करेगा तो उसका सम कैलकुलेट करेगा। अगर कोई सेल में फॉर्मूला लगा हो और आप वो सेल को आप कॉपी करके नीचे कहीं पेस्ट करेंगे तो आपको वहां पे फिगर नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि आपका वहां पे फॉर्मूला कॉपी हुआ है, ओके। ये देखिए आप यहाँ पे इधर जो फॉर्मूला लगा है वो फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी करके आ गया है। तो हमको फॉर्मूला कॉपी नहीं करना है। अभी आप यहाँ पे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो यहाँ पे कोई डाटा नहीं रहेगा बट यहाँ पे पूरा फॉर्मूला आएगा। मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, यहाँ पे जो है उसका वैल्यू मुझे कॉपी करना है, तो एरिया को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको
पेस्ट करने के लिए आपको पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा, तो उसका शॉर्टकट है Alt E S V, देन प्रेस एंटर, तो आपका जो है वैल्यू अकेला पेस्ट होगा, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा। एक्सेल के अंदर आपको एक नया लाइन ऐड करने के लिए शॉर्टकट है, आपको अगर इसके नीचे एक लाइन ऐड करना है तो उसका शॉर्टकट है Alt प्लस एंटर, Alt प्रेस करके एंटर प्रेस करना, तो वहां पे आपका न्यू लाइन आपका इंसर्ट हो जाएगा, वहां पे आपको जो भी ऐड करना है वो ऐड कर सकता है। देखिए ऐसा न्यू लाइन, एक ही सेल के अंदर नया लाइन इंसर्ट हो जाएगा Alt प्लस एंटर। अभी आपके पास एक डाटा बेस है, उसको आपको चार्ट इंसर्ट करना है। चार्ट इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट में जाके, आप यहाँ पे चार्ट में जाके इंसर्ट कर सकता है। सेम शीट के अंदर चार्ट इंसर्ट करने का शॉर्टकट है Alt F1, Alt प्रेस करना देन F1, तो आपका डिफॉल्ट जो चार्ट है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। Now, तो फ्लैश फिल का शॉर्टकट है Ctrl E। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फ्लैश फिल वर्क करते हैं। आपको यहाँ पे इनका ईमेल में कन्वर्ट करना है। अगर आपके कंपनी में, आप जहाँ पे जॉब करते हैं उसका ईमेल में एक पैटर्न रहेगा, आप यहाँ पे देखेंगे इनका नाम है जॉन मार्श, तो आपका कंपनी का अगर ईमेल आईडी john.marsh@tedxl.com, ये आपका ईमेल आईडी है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा john.marsh@tedxl.com। अगर ये ईमेल आईडी है तो आपके इतने एम्प्लॉयज़ हैं आपके नीचे में, इतने सारे लोग हैं आपके इसमें, तो ये सब में जाके लिखना डिफ़िकल्ट है, तो आप एक पैटर्न ऊपर बनाना है आपको। पैटर्न के हिसाब से आप एक फर्स्ट लाइन ऑफ डाटा अब बनाने के बाद आपको Ctrl E प्रेस करना है, तो जैसे आपने फर्स्ट डाटा बनाया है उस हिसाब से पूरा डाटा बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास कोई डाटा है, ओके, कोई नेम है, उसको आपको नीचे कॉपी करना है, नीचे कॉपी करके डालना है, तो उसका शॉर्टकट है Ctrl D। कंट्रोल डी प्रेस करेगा तो आपने ऊपर जो डाटा है वो नीचे तक पेस्ट हो जाएगा। आप ये पूरा एरिया सिलेक्ट करके Ctrl D प्रेस करेगा तो पूरा जो डाटा है वो नीचे कॉपी डाउन हो जाएगा। Ctrl D प्रेस करना है, इंसर्ट डेट एंड टाइम। डेट अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपको Ctrl प्रेस करना है, देन आपको सेमी कोलन प्रेस करना है, तो आपका डेट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। और आपको टाइम इंसर्ट करने के लिए आपको Shift Ctrl कोलन, तो आपका टाइम इंसर्ट हो जाएगा। अभी आपका बोनस, एक्सेल में बहुत ही यूजफुल एक फीचर है, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। वो फीचर क्या है? आप जो लास्ट एक्टिविटी जो भी आपने कैरी आउट किया है, अभी देखिए मैं यहाँ पे इसमें कलर दे दिया है। ओके, यहाँ पे मैंने इसको, ये सेल को कलर फिल कर दिया है, येलो कलर मैंने फिल कर दिया है, तो अभी मुझे यहाँ पे वही फीचर यहाँ पे लेके आना है, तो मुझे यहाँ पे भी जाके मुझे ये कलर देना पड़ेगा। उसके जगह पे एक्सेल में बहुत ही अच्छा यूजफुल फीचर है, वो है F4। F4 प्रेस करेंगे ना, कोई भी सेल में आप रख के F4 प्रेस करेंगे तो आप उससे पहले जो एक्टिविटी जो किया है वो एक्टिविटी यहाँ पे भी कॉपी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे F4 प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे भी वो कलर कॉपी हो गया है, यहाँ पे भी F4। तो अगर आपने लास्ट एक्टिविटी डिलीट किया है, डिलीट है आपने लास्ट एक्टिविटी जो कैरी किया है, मैंने यहाँ पे डिलीट किया, तो आप यही सेल में रख के आप F4 प्रेस करेंगे तो वो एक्टिविटी यहाँ पे भी कैरी हो जाएगा। तो F4 फंक्शन बहुत ही यूजफुल फीचर है एक्सेल का, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो आप इसको एक बोनस टिप समझ लीजिए। 26 शॉर्टकट्स मैंने अभी बताया है और एक बोनस टिप बताया है, तो ये सारे टिप्स, सारे शॉर्टकट्स को एट ए शॉर्ट
याद रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो आप इसमें से आपको जो भी आपको बहुत ही यूज़फुल लगा हो वो 3-4 शॉर्टकट्स जो हैं आप इसमें से आपको बाय-हार्ट करना है और आप उसका रेगुलर यूज़ में अप्लाई करते रहिए, तो आपको ये थरो हो जाएगा। ये शॉर्टकट में आपका जो एफिशिएंसी इम्प्रूव होगा और वर्क टाइम जो है वो रिड्यूस होगा। मैं ऐसे बहुत ही सारे यूज़फुल वीडियोस और भी बनाता रहूँगा, तो ये आपको वीडियोस आपको मिलता रहे तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करो, सो दैट जो भी वीडियोस मैं बनाऊँ तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।